दोस्तों, एक बार की बात है, एक आदमी समुद्र के किनारे जाता है तो वहाँ पे जाने पर वो क्या देखता है कि एक लड़का पता नहीं कुछ तो ऐसे उठा रहा था और उसको यूं पानी में फेंक रहा था। फिर उसने देखा, फिर थोड़ी देर में वो कुछ उठाया, फिर पानी में फेंका, फिर उठाया, फिर पानी में फेंका। तो उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लड़का कर क्या रहा है, क्योंकि वो लड़का थोड़े दूर में खड़ा था। अल्टीमेटली वो बड़ा क्यूरियस हो गया इस चीज़ को जानने के लिए कि आखिर हुआ क्या। तो वो धीरे 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 उस लड़के के करीब जाता है तो उसने क्या देखा कि वो जिस बीच पर खड़ा था उसके चारों ओर बहुत सारे स्टारफिश पड़े हुए थे। और वो स्टारफिश वहाँ पे कहाँ से आए? ये समुद्र का जो लहर होता है ना, वो ना जाने कितने स्टारफिश को ला ला कर उस सीशोर में जाके पटक दिया, यानी उस समुद्र के किनारे में जाकर उसने उसको जमा कर दिया। और वो लड़का क्या कर रहा था? एक एक स्टारफिश को उठा उठा के फेंक रहा था। तो वो आदमी कुछ देर तक उसके पास रुकता है, दूर से थोड़ा सा दूर जाता है और वहाँ से उसको क्वाइटली ऑब्जर्व करता है। तो वो क्या देखा कि 10 से 15 मिनट हो गए, मुश्किल से वो 5 से 10 ही स्टारफिश को फेंक पाया। और वहाँ पे पता है कितने स्टारफिश थे? मिलियंस स्टारफिश थे, बहुत सारे थे। तो वो जाकर उससे बोलता है कि बेटा तुम मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इतने सारे स्टारफिश पड़े हुए हैं, इतने सारे न जाने लाखों स्टारफिशेस पड़ी हुई है, और तुम ये एक एक करके जो ऐसे ऐसे फेंक रहे हो, इसका कोई मतलब बनता है क्या? तुम ही बताओ, क्या कोई मतलब बनता है? इतने सारे स्टारफिश यहाँ पे पड़े हुए हैं और तुम एक एक उठाकर वहां पे फेंक रहे हो, उसको पानी में डाल रहे हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं होगा। वो लड़का कुछ नहीं बोलता है, फिर से वापस जाता है, एक स्टारफिश को उठाता है और यूं पानी में फेंक देता है। और फिर वापस आकर उस इंसान को बोलता है कि कम से कम एक स्टारफिश के लाइफ पे तो इफेक्ट पड़ा ना, एक तो कम से कम एक को तो मैंने बचाया ना। तो दोस्तों, कुछ इसी तरह हमारे लाइफ में भी ये स्टोरी रिलेटेड है। हम हमेशा सोचते हैं कि ये काम हम ही क्यों करें, इससे क्या हो जाएगा। जब वाटर सेव करने की बात आती है तो आप सोचते हो कि बस एक बकेट अगर मैं सेव करूं, मेरे सेव करने से क्या हो जाता है। तो कम से कम आपको इतना ध्यान में रखना है कि कुछ भी हो जाए, हजारों का हेल्प नहीं कर सकते हो तो कम से कम एक का तो करो। कुछ तो अपने लाइफ में ऐसा करो जिससे कि आप कम से कम एक इंसान के लाइफ में भी कुछ वैल्यू ऐड कर पाओ। एक इंसान की भी लाइफ अगर आपके वजह से बदल रही है, आपसे वो कुछ सीख रहा है, तो समझो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सच मानो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो आपको यही चीज़ लेकर चलना है अपने लाइफ में कि हजारों की ज़िंदगी ना बदल पाओ तो कम से कम एक की ज़िंदगी तो बदलो।